हेलो गाइज, SSN यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में कवर करने वाला हूं द 100th मैन लीग का मैच नंबर 14, जो कि गाइज ये मैच बर्मिंगम फोनेक्स यानी कि BPH और वेल्स फेयर यानी कि दोस्तों WEF के बीच गाइज ये मैच 10 अगस्त यानी कि आज के दिन रात के 11 बजे गाइज ये मैच बर्मिंगम के दोस्तों इस वेस्टर्न स्टेडियम में ये मैच खेला जाने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो में आप बने रहना, क्योंकि दोस्तों वीडियो में आपको देखो सभी चीज़ें बिल्कुल बारीकी से बताने वाला हूँ। और गाइज देखो, जो मैं वीडियो में बताऊँगा अगर आप उस चीज़ को फॉलो करते हो तो आप देखो अपनी खुद से टीम क्रिएट करके, या अगर आप ड्रीम इलेवन पे ये मैच खेल रहे हो तो आप ड्रीम इलेवन की टीम आप क्रिएट कर लोगे खुद से। और अगर आप विजन पे खेल रहे हो तो आप विजन पे भी ये मैच का टीम आप खुद से क्रिएट कर सकते हो। अगर आप वीडियो को आप देखो, वीडियो का कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि गाइस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो मेरे भाई वीडियो को आप लास्ट तक देखना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करना, ठीक है। और अगर वीडियो खराब लगे तो एक डिसलाइक करो, और कमेंट में अगर बताना कि गाइस वीडियो में आपको और क्या क्या इंक्लूड करके चाहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर पॉइंट्स टेबल पर दोनों टीमों का रैंकिंग क्या है। तो गाइस देखो, एक नंबर 3 की टीम है जो कि वेल्स फेयर है, और एक नंबर 8 की टीम है, ठीक है। देखो नंबर 8 की टीम का क्या है कि दोस्तों अभी तक तो इनका 3 मैच हुआ है ना, जिसमें से दोस्तों केवल इनका एक ही मैच पूरा हो पाया है। दो मैच तो गए देखो इनका बेनतीजा रहा, यानी कि दोस्तों ये मैच पूरा हुआ ही नहीं है, ठीक है। और अगर वेल्स फेयर की बात कर लूँ तो 3 मैच ये खेली है, 3 मैच, एक मैच विन की है, एक मैच हारी है, और गाइज इनका एक मैच हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो गाइज ये एक नंबर 3 की टीम है और नंबर 8 की पोजीशन पे टीम है वेल्स यहाँ पर बर्मिंगम फोनिक्स। तो गाइज आप यहाँ पर अगर आपको फेवर करना है तो आप यहाँ पर क्लियरली आप वेल्स फेयर को फेवर कर सकते हो, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर बर्मिंगम के जो मतलब होम ग्राउंड है यहाँ पर ये मैच होने वाला है। तो अगर मैं पिच रिपोर्ट की बात करूँ तो गाइज देखो, यहाँ पर पहली बार गाइज यहाँ पर पेसर्स के लिए दोस्तों ये पिच आपके लिए एक बार फिर से काफी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा पेसर्स का, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड की बात करूँ, जो रिकॉर्ड यहाँ पर क्या बताता है, देखो यार यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट का जो ग्राउंड है, देखो यहाँ पर टोटल 93 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसमें से 51 यानी कि 51 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने मैच को विन किया है, और 41 बार बैटिंग सेकंड करते हुए टीम ने मैच को विन किया है। तो गाइस कहीं ना कहीं यहाँ पर पहले बैटिंग करना देखो यार काफी ज्यादा फ्रेंडली रहता है, यानी कि टॉस का रोल जो काफी अहम रहेगा। और अगर जो भी टीम पहले बैटिंग करती है, आप चाहो तो उसके फेवर में टीम बनाकर आप देखो अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। एवरेज स्कोर की बात करूँ तो गाइस देखो यहाँ पर पहले इनिंग में तो ठीक ठाक स्कोर बनता है, बट दोस्तों जैसे जैसे पिच यहाँ पर पुरानी होती है, धीमी होती है दोस्तों, वैसे वैसे यहाँ पर रन बनने कम होते हैं। और सेकेंड इनिंग में दोस्तों आपको स्पिनर फ्रेंडली पिच आपको ये बनता हुआ दिख सकता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आपको फर्स्ट इनिंग में जो टीम बैटिंग कर रही हो, आप उसके बैट्समैन और उसके आप उनके स्पिनर बॉलर को आप लेकर चल सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये तो बात कर लिया मैंने पिच रिपोर्ट की, अब गाइस यहाँ पर बात कर लेता हूँ दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या रहेगी, और गाइस देखो प्लेयर का रिकॉर्ड क्या है, ठीक है। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम का दोस्तों मेन चैनल SSN को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया हुआ है, ठीक है, गाइस देखो SSN को ज्वाइन करना यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर आपको मैं विनिंग करवा कर देता हूँ, ठीक है। जो भी गाइस देखो विनिंग है, चाहे वो क्रिकेट की विनिंग हो या फिर फुटबॉल की हो, या फिर दोस्तों यहाँ पर आप बास्केटबॉल भी खेलकर काफी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। यहाँ पर आपको देखो सभी स्पोर्ट्स की टीम देखो यार बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखो जो भी मेंबर्स का विनिंग हुआ है, मैंने सबका यहाँ पर स्क्रीनशॉट डाल रखा है, ठीक है। तो अगर आप भी अगर ऐसी ऐसी विनिंग करना चाहते हो तो गाइस आप भी हमारा टेलीग्राम चैनल SSN को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। लिंक दोस्तों हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो गाइस लिंक पे क्लिक करो और सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल SSN को ज्वाइन कर लो। यहाँ पर आपको सभी टीमें बिल्कुल फ्री में हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो गाइस चलिए मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ, तो हम लोग बात कर लेते हैं पहले बर्मिंगम फोनिक्स की प्लेइंग 11 क्या रहेगी, और गाइस इनमें से हमें हमारे लिए मतलब इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन कौन से है, ठीक है। तो गाइस देखो इनकी ओर से बेन डकेट और विल समिट, जो कि देखो दोनों काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ठीक है। यहाँ पर आप विल समिट का रिसेंट फॉर्म चेक करो तो कह रही उतना बढ़िया फॉर्म में नहीं है, बट अगर आप यहाँ पर बेन डकेट का फॉर्म चेक करते हो तो गाइस देखो टेस्ट मैच में उन्होंने काफी बढ़िया पारी खेली है, और दो मैच में उन्होंने टोटल 44 रन भी बनाए, जो अभी फिलहाल मैच हुआ था। पहले मैच में उन्होंने 34 नॉट आउट रन बनाए थे। तो गाइस आपके लिए यहाँ पर बेन डकेट एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। वेन्यू पर आप इनका यहाँ पर रिकॉर्ड चेक कर लो, 16 मैच में दोस्तों 401 रन 30 का एवरेज, ठीक है। उसके अलावा गाइस यहाँ पर मोइन अली कैप्टन, एक मैच में केवल एक रन बनाया, ठीक है। बट गाइस आपको ये दोस्तों बॉलिंग से और आपको ये बैटिंग से पॉइंट करके देगा, तो गाइस देखो वैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, ठीक है। नंबर 4 पे दोस्तों लियाम लिविंगस्टन, एक मैच में 27 रन, ठीक है। दोस्तों ये हिट एंड मिस प्लेयर है, ठीक है। तो अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो या फिर अगर आप मिनी जेल खेल रहे हो तो आप इसमें आप अपने टीम में ट्राई करना। उसके अलावा दोस्तों जेमी स्मिथ, एक दोस्तों युवा प्लेयर विकेट कीपर बैट्समैन, दो मैच में 28 रन, दोनों मैच का रिकॉर्ड चेक कर लो। उससे पहले जो इन्होंने जो भी मैचेस खेले हैं आप यहाँ पर रिकॉर्ड चेक कर लेना, ठीक है। ओवरऑल जो मैचेज इन्होंने खेले हैं 54 मैच में 708 रन, 23 का एवरेज है। तो गाइज आपके ऊपर है कि आप इन्हें लेते हो या फिर आप इन्हें
ड्रॉप करते हो, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों डैन मॉसली 2 मैच में 14 रन प्लस में विकेट अभी तक इन्हें मिला नहीं है, ठीक है। आपके लिए दोस्तों एक थोड़ा सा हटके पिक रहेगा वेन्यू पर, इन्होंने 11 मैचेस में टोटल 17 विकेट लिए हैं। तो अगर आप ब्रांडली या फिर अगर थोड़ा सा रिस्क लेकर जाना चाहते हो तो आप इन्हें अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा गाइस शहदाब खान, अगर गाइस यहाँ पर बर्मिंघम फोनिक्स सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करने आती है, फिर गाइज आपके लिए शहजाद खान एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, ठीक है। तो आप टॉस का थोड़ा सा वेट करना। उसके अलावा गाइज देखो बेनी होवेल, अगर गाइज बर्मिंघम फोनिक्स फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करते हैं आपको बेनी होवेल लेकर जाना होगा। 2 मैच में टोटल अभी तक इन्होंने 9 रन भी बनाया और फिर इन्होंने 3 विकेट भी लिया है। यहाँ पर आप इनका रिकॉर्ड चेक कर लो, ठीक है। हेड टू हेड रिकॉर्ड आप यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड बैटिंग का भी चेक कर सकते हो। उसके अलावा गाइज यहाँ पर एडम मिल ने दोस्तों ये भी यार कंसिस्टेंट के साथ ये मतलब परफॉर्मेंस नहीं करता, ठीक है। यहाँ पर आप जो इनका रिसेंट फॉर्म है चेक करो दोस्तों, इनके पास ना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इनके पास है ही नहीं, ठीक है। 2 मैच खेला है जिसमें से इन्होंने 2 विकेट भी लिया है, ठीक है। उसके अलावा गाइज यहाँ पर टॉम हेलम 2 मैच में 1 विकेट और गाइज यहाँ पर केन रिचर्डसन एज अ मेन बॉलर 2 मैच में 1 इनिंग में अभी तक इन्हें विकेट नहीं मिला है, बट गाइज ये आपको डेथ के ओवर में बॉलिंग करके देगा। तो गाइज ये तो बात कर ली मैंने बर्मिंघम फोनिक्स की, ठीक है। अब बात यहाँ पर आती है दोस्तों वेल्स फायर, जो कि यार अपना 1 मैच जीतकर और 1 मैच हारकर आ रही है और अभी तक दोस्तों पॉइंट टेबल पे नंबर 3 की पोजिशन पर, ठीक है। इनकी ओर से देखो ल्यूक वेल्स और जोए क्लर्क विकेट कीपर बैट्समैन आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देगा, दोनों का आप रिसेंट फॉर्म वेन्यू का रिकॉर्ड आप देखो चेक कर लेना, ठीक है। जोए क्लर्क लास्ट मैच में 69 नो डाउट रन काफ़ी बेहतरीन इनिंग इन्होंने खेली है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर स्टीवन स्कांजी 3 मैच में टोटल यहाँ पर 34 रन, थोड़ा सा मैंने गलत ऐड किया है, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको सही कर देता हूँ। 3 मैच में 34 रन प्लस में गाइज आप इनका रिसेंट फॉर्म चेक कर सकते हो, आप चाहो तो आप इन्हें इजीली ड्रॉप करके जा सकते हो या फिर अगर आप जीएल खेले हो तो आप इन्हें ट्राई करना। उसके अलावा गाइज देखो टॉम एवल कैप्टन, अभी तक दोस्तों इनके बल्ले से कुछ उतना अच्छा खासा रन नहीं है, रिसेंट फॉर्म भी कोई इतना खास नहीं है, तो आप इन्हें इजीली ड्रॉप करना। ग्लेन फिलिप्स 3 मैच में 47 रन रिकॉर्ड चेक कर लेना, ठीक है। उसके अलावा गाइज डेविड विली, जो कि गाइज आपको ये बॉलिंग प्लस में आपको बैटिंग कैप्टन का दोस्तों काफ़ी बढ़िया ऑप्शन रहेगा, अगर आप स्मॉल ही खेल लो तो आपके लिए दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन का काफ़ी बढ़िया ऑप्शन भी है। वेन्यू पर इनका रिकॉर्ड देखो काफ़ी ठीक ठाक है बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बैन ग्रीन 3 मैच में 41 रन प्लस में 2 विकेट, दोस्तों ये भी आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल है। इनका दोस्तों पहले का रिसेंट फॉर्म आप चेक कर सकते हो, काफ़ी ठीक ठाक है। वेन्यू पर भी देखो इन्होंने काफ़ी बढ़िया मतलब इन्होंने बॉलिंग किया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों आर वान डी मार्वे 3 मैच में टोटल 2 विकेट, दोनों मैच में दोस्तों इन्होंने एक एक विकेट लिया था, पहला मैच इन्होंने खेला नहीं था। उसके अलावा गाइस देखो डेविड फैन है 3 मैच में 2 विकेट, शाइन अफरीदी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर 3 मैच में टोटल 5 विकेट, ठीक है। यहाँ पर आप इनका रिकॉर्ड चेक कर लो, 3 मैच में इन्होंने विकेट लिया है और गाइस देखो ये भी आपके लिए बढ़िया कैप्टन और वाइस कैप्टन मटेरियल रहने वाला है, ठीक है। उसके अलावा गाइस हरीश रोफ, जो कि देखो दोनों पाकिस्तान का बॉलर है, देखो इनके पास पेस है, 3 मैच में टोटल इन्होंने 3 विकेट लिए हैं जिसमें से दोस्तों 2 मैच में 2 विकेट नहीं मिला, दूसरे मैच में इन्होंने 3 विकेट लिया था, ठीक है। तो गाइज ये तो बात कर लिया मैंने दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या है उसकी, अब गाइज यहाँ पर बात आती है कि गाइज हमारी ड्रीम 11 की टीम इस मैच में क्या रहने वाली है। तो दोस्तों देखो टीम पे ध्यान देने से पहले गाइज अगर आपने अभी तक हमारा अभी तक भी टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो मेरे भाई देखो टेलीग्राम का चैनल को ज्वाइन कर लो, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो फाइनल टीम और फाइनल अपडेट देखो सभी लोग टेलीग्राम पर ही अपडेट करते हैं, तो गाइज यहाँ पर आपको सभी टीमें बिल्कुल फ्री में मिलती है, ठीक है। ऑलरेडी देखो यहाँ पर लगभग 46,000 बंदों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है, अगर आप यहाँ पर खेलकर विनिंग करना चाहते हो मेरे भाई तो गाइज आपको भी टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना होगा, लिंक गाइज आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो फटाफट से आप देखो ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। बाकी अगर टीम्स की बात कर लूं तो गाइस देखो पहले बात कि आपको देखो थोड़ा सा टॉस का वेट करना है, ठीक है। जो टीम पहले बैटिंग कर रही हो उसके आप बैट्समैन ले लो और उसी टीम के आप मतलब जो बॉलर स्पिनर हो आप उन्हें लेना, ठीक है। और जो टीम पहले बॉलिंग कर रही हो उसके आप फास्टर बॉलर को आप लेकर जा सकते हो, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही मैंने बता रखा है कि यहां पर पहले इनिंग में जो टीम बैटिंग करती है देखो उनके विनिंग के चांसेस थोड़े से हाई रहते हैं, ठीक है। तो बात आपको क्या है कि आपको टॉप्स का वेट करना होगा। बाकी देखो जो अभी मेरी टीम है ना, देखो मेरी प्री फाइनल टीम है, फाइनल टीम तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। कैप्टन अभी के लिए मेरा ल्यूक वेल्स है, पीछे दोस्तों मैंने अभी के लिए डेविड विली को बनाया, बाकी अगर आप चाहो तो आप दोनों को एक्सचेंज भी आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आप थोड़ा सा अलग हटके जाना चाहते हो तो फिर आपके लिए दोस्तों शाइन अफरीदी आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन रहेगा। उसके अलावा दोस्तों बेन डकेट, ये दोनों देखो आपके लिए बढ़िया ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है। तो गाइज आप अगर आप चाहो तो आप अपने हिसाब से सीवीसी सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी दोस्तों वीडियो में गाइज अभी के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक करना मेरे भाई, देखो यार लाइक सपोर्ट समर्थन मिलता तो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए सेवा को हमारी ओर से बेस्ट प्लस।